अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला और मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने वादे के मद्देनज़र। मैंने आपसे वादा किया था कि हम बहुत सारे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें सरे फहरिस्त हमारे पास हेल्थ और न्यूट्रिशन के टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत और उसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पर रोशनी डालूँ, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन और बाकी मौजूद पर जिनका मैं जिक्र कर चुकी हूँ अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में उस पर अपडेट्स मिलती रहे, तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो अगर उसको कहा जाए कि वो हमारे मुल्क की एल्डरली की यानी बुज़ुर्गों की एक नेशनल डिज़ीज़ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग शायद आप में से गेस भी कर चुके हों कि मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ। हर दूसरे घर में ये सुनने को मिलता है कि मुझे शुगर की शिकायत है। 30, 35, 40 के बाद के जितने भी उम्र के लोग हैं हर दूसरे तीसरे बंदे के मुँह से ये सुनने को मिलता है कि मुझे शुगर की शिकायत है। शुगर जो है आपके पास उसको इंग्लिश में और उसको मेडिसिन की लैंग्वेज में साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आपके ब्लड में शुगर रेज होता है और जब वो क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बहुत सालों तक रेज रहता है, वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और सबको डैमेज कर देता है। खौस में आपका दिल शामिल हो, खौस में आपके गुर्दे शामिल हो, खौस में आपकी आँखें शामिल हों या पैर शामिल हों। अब अगर मैं कहूं कि प्लॉट ट्विस्ट हमारे पास ये है कि हम शुगर होने से पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें शुगर होने वाली है, तो इसका मतलब है शुगर तो होगी ही नहीं। क्योंकि जितने भी लोगों को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वो ये तो जानते होंगे कि डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट होती है, इसका जो इलाज होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट है, आपके पास इसका रिवर्सल यानी इसका परमानेंट इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं यानी आपको डायबिटीज़ होने वाला है, तो तब आपके पास रिवर्सल मौजूद है। इससे पहले कि मैं रिवर्सल पर रोशनी डालूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सारे टॉपिक का लबो लबाब क्या है। आप जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है आपके एक ऑर्गन से जिसको आप पेंक्रियास कहते हैं। इस ऑर्गन को आप कहते हैं पेंक्रियास, और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको आप कहते हैं इंसुलिन। आज जब आप खाना खाते हैं, खाने की जिस्म में तोड़फोड़ होती है और वो आपके पास शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। इस शुगर मॉलिक्यूल ने बॉडी में डिफरेंट सेल्स में जाना है ताकि वो सेल्स उसको एनर्जी की तरह यूज़ कर सके और हम अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। जैसे मैं इस वक्त अभी आपसे बात कर रही हूँ, हम चल सके, फिर सके, खा सके और अपनी ज़िंदगी की दूसरी रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, और वो सारे फंक्शंस जो नज़र नहीं भी आते हैं जैसे सांस लेना, जैसे आंखें झपकना, उन सारे फंक्शंस के लिए भी हमें ग्लूकोज चाहिए होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो सारी एनर्जी कहाँ से आती है? वो सारी एनर्जी आपके पास खाने से आती है। अब इंसुलिन आपके पास क्या करता है? इंसुलिन आपके पास वो ट्रांसपोर्ट मशीन है, इंसुलिन आपके पास वो व्हीकल है, इंसुलिन आपके पास वो कैरियर है जो आपकी बॉडी में ब्लड में इस खाने की तोड़फोड़ से जो शुगर बना है उसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स में लेकर जाता है। हमारे पास जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं उसके ऊपर एक ताला बना होता है, एक लॉक बना होता है जो कि इंसुलिन को डिटेक्ट करता है। वो लॉक जो होता है वो ताला होता है, और जो इंसुलिन होता है वो उसकी चाबी होती है। जैसे ही चाबी ताले के ऊपर लगती है ताला खुल जाता है और जो शुगर है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। अब जब आप अपना कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आप शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में शुगर भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जब ब्लड में शुगर भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसकी जितनी मिकदार आपके पास बॉडी के सेल्स में जानी थी वो मिकदार भी आपके पास ज़्यादा हो रही है। अब आपके जो सेल्स हैं, खास करके जो आपके फैट सेल्स हैं, वो साइज़ में आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपना कैलोरी इंटेक कम नहीं करते हैं तो एक लिमिट में आके वो बड़े होना भी बंद कर देते हैं। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि एक साइज़ की लिमिट के बाद वो ग्रो नहीं कर सकते। वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म कैसे करेंगे कि वो मज़ीद शुगर को अपने अंदर आने से रोकेंगे, और वो मज़ीद शुगर को अपने अंदर आने से कैसे रोकेंगे? अगर आपको पता लग जाए कि आपके घर के ताले की चाबी किसी के पास है तो आप क्या करेंगे? आप ताला बदलवा देंगे। तो बॉडी के फैट सेल्स भी आपके पास यही करते हैं कि वो अपने ताले की शेप चेंज कर देते हैं। अब जब आप खाना खाते हैं और आपकी बॉडी में हार्मोन इंसुलिन बनता है और आपके ब्लड शुगर हाई होते हैं, तो इंसुलिन जो चाबी की तरह ताले पर जाके अपने सेल के ऊपर लगती थी वो उसके ऊपर लगेगी भी तो ताला उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेल इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपने अंदर शुगर नहीं आने दे रहे और उन्होंने ताले की जो शेप है उसको चेंज कर दिया है।
अब आपके पास ब्लड में शुगर बढ़ता चला जाएगा। जब कुछ अर्से तक आपके पास ब्लड में शुगर बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा आपके पास, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को आप डायबिटीज़ कहते हैं। और क्योंकि आपके पास जो सेल्स हैं वो अब इंसुलिन को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जी हाँ, मैं जिस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, जिस मेडिकल कंडीशन की बात कर रही हूँ जिसको रिवर्स करके आप डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं, उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? कॉमन सेंस, बड़ा आसान है, ताले की शेप वापस चेंज कर दी जाए। ताले की शेप वापस कैसे चेंज हो सकती है? जब सेल दोबारा सुकड़ के अपने नॉर्मल साइज पर चला जाए। सेल, चर्बी का सेल सुकड़ के अपने नॉर्मल साइज पर कैसे जाएगा? जब आप वेट लूज करेंगे। तो नंबर वन, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह रिवर्स करनी है? आपने वेट लूज करना है। इससे पहले मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने के और तरीके बताऊं, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे पहले आप अपना वेस्ट हिप रेशो मेजर कर सकते हैं। किसी भी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या किसी भी डाइटिशियन के पास जाकर आप अपना वेस्ट हिप रेशो मेजर करें। ख्वातीन का जो वेस्ट हिप रेशो है वो 0.8 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मर्दों का जो वेस्ट हिप रेशो है वो 1.0 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर आपका वेस्ट हिप रेशो है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं और आपको डायबिटीज़ होने का खदशा है। इसके अलावा नंबर दो तरीका, अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं, अपना फास्टिंग शुगर कराएं। 10 से 12 घंटे तक कुछ मत खाएं। अगर 10 से 12 घंटे तक कुछ ना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में आता है तो गो के ये नॉर्मल है, लेकिन आप प्री डायबिटिक रेंज में है, इसका मतलब है आपको डायबिटीज होने का खतरा है। नंबर तीन, अपना HDL LDL रेशियो कराएं। बॉडी में हमारे पास गुड फैट्स भी होते हैं और बॉडी में हमारे पास बैड फैट्स भी होते हैं। आपके पास जो गुड फैट्स और बैड फैट्स होते हैं बॉडी में, इसका एक खासा रेशो कायम होता है। अगर ये रेशो डिस्टर्ब्ड है और ये रेशो आपके पास डिस्टर्ब्ड रिपोर्ट में आता है, इसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट मौजूद है, तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं। और आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो आपको ये अंदाज़ा दे सकती हैं कि आप प्री डायबिटिक रेंज में हो सकते हैं? अगर आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है, अगर आपको एप्पल शेप्ड ओबेसिटी है। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी किसको कहते हैं? यानी टांगे और बाजुओं का पतला होना और पेट पर ज़्यादा मास होना। अगर आपकी डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हुआ है, अगर आप टेंशन बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर आप गुस्से में बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जो लोग होते हैं वो प्री डायबिटीज और डायबिटीज को ज्यादा एक्सपोज होते हैं। और इसको डायग्नोज आपने कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको रिवर्स कैसे करना है? क्योंकि एक बार आप डायबिटीज की स्टेज में एंटर हो गए तो आपकी बॉडी में जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपने इसको रिवर्स कैसे करना है? नंबर वन, वेट लूज करके। वेट लूज आप कैसे करेंगे कि आप अपनी चर्बी के सेल्स को श्रिंक कराएंगे। चर्बी के सेल्स को श्रिंक कराने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि ये माह रमजान है और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जब आप 12 से 14 घंटे भूखे रहते हैं और गर्मियों के रोजे भी आपको इतनी देर ही भूखा रखते हैं तो आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल जीरो पे चले जाते हैं। जब इंसुलिन के लेवल जीरो पे चले जाते हैं तो बॉडी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो चर्बी को बर्न करे, और यही हमारा गोल है, हमने चर्बी को बर्न करना है। एक और चीज़ मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि भूख रख के खाओ। उसकी मेडिकल रीज़न ये है कि इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर सेटाइटी टू किक इन। आसान लफ्ज़ों में मैं समझा देती हूँ कि आपका पेट जब भर चुका होता है, इससे पहले कि ये सिग्नल आपके दिमाग को पहुँचे 20 मिनट लगते हैं आपको ये रियलाइज़ करने में। इसलिए जब आपको थोड़ी बहुत भूख लगी भी हो, खाने को छोड़ दें, क्योंकि 20 मिनट बाद आप यूली रियलाइज करते हैं कि आप जो हैं आपका पेट भर चुका है और आपको मजीद खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं और किस चीज़ का इंतखाब कर रहे हैं, तो ओवरवेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर तीन, प्लीज़ वर्जिश बहुत ज़्यादा करें। जब आप वर्जिश ज़्यादा करते हैं तो आप अपनी बॉडी में जो सोजिश करने वाले केमिकल्स हैं उनकी जो अमाउंट है उसका जो लेवल है कम कर देते हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगी, ओवर एक्सरसाइज मत करें। आइडियल क्राइटेरिया आपके पास वर्जिश का क्या है? आइडियल क्राइटेरिया वर्जिश का आपके पास ये है कि आपने 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी बॉडी में सोजिश कम करने की जगह सोजिश ज़्यादा करने वाले केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि ख्वातीन वर्जिश भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन वो इस बात की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रही है कि हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो उस चक्कर में बॉडी में क्या होता है? उस चक्कर में बॉडी में आपके पास एक स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिस हार्मोन को आप कहते हैं कॉर्टिसोल।
कॉर्टिसोल आपके पास इनडायरेक्टली क्या करता है कि जिस हार्मोन को हम रिवर्स करने की कोशिश करें उस हार्मोन के लेवल यानी इंसुलिन के लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देता है। जब इंसुलिन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं वो फिर बॉडी में पानी, चर्बी और शुगर पकड़ना शुरू हो जाता है। तो चाहे आप कितना भी कम खाएंगे, ओवर एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेस करेंगे, आपका वजन कम नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, और कॉर्टिसोल के लेवल्स जब बढ़ते हैं फिर वो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ाता है। यहाँ तक कि अगर एक रात आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो आप अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस 33% तक इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे एंड में बैड हैबिट्स छोड़ दें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा कैफीन कंजम्पशन करते हैं तो ये चीज़ें भी जो है आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन को डिस्टर्ब करती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल साबित रही होगी कि डायबिटीज़ से पहले इस खदशे को कैसे डायग्नोज करना है कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है, उसको डायग्नोज करने के क्राइटेरिया क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है और उसको रिवर्स करने का तरीका क्या है। मैं आपसे मिलूंगी फिर एक और मालूमाती वीडियो के साथ और बामानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।